हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स है, ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। यस, लेजीनेस का कार्ड है यहाँ पे। आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपको कितना लाइक करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते। आपको ये फील होता है कि ये जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहे, जानबूझ के आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जैसे कि आएंगे ज़रूर लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे। आपको फील होता है, आपको पता है, आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है। इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत किया है, ये ब्रेक थ्रू दिया है, आपके इस रिलेशनशिप में दरार आई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। आपको बहुत बुरा लग रहा है इस बात को सोच सोच के कि इतना गलत करने के बावजूद भी ये पर्सन आज भी आने के लिए डिले ही कर रहा है। आप रो रहे हो, इनको याद करके परेशान हो, आपकी आंखों में आंसू है। हो सकता है कि आप इनको रात को याद कर करके बहुत ज़्यादा रोते हो। आपको इनके साथ जैसे कि एबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, और जैसे कि आप भगवान से पूछ रहे हो कि भगवान कब तक आपको ऐसे ही इनका इंतज़ार करना है, कब तक इनका इंतज़ार कर करके आपको ऐसे रोना है, परेशान रहना है, अकेले रहना है आपके अंदर अलोननेस से। आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है आपके पार्टनर के ऐसे एनर्जीज से, ठीक है। तो अगर ये फीलिंग्स आपकी, आपके पार्टनर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि टॉरस वर्ग कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस भी है यहाँ पे, बेसिंग धनु राशि, ठीक है। नंबर 3331111222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो यस, एग्जॉशन का कार्ड है यहाँ पे आपके पार्टनर, तो मुझे बीमार नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, थर्ड पार्टी से लड़ लड़ के थक चुके हैं। अगर इन्होंने ये दरार लाई थी, अगर किसी से शादी करी थी तो उस शादी से परेशान है, जैसे कि झगड़े बहुत चल रहे हैं इनके घर में। और अगर ये शादीशुदा नहीं है तो ये जो भी घर में थर्ड पार्टी से, उस थर्ड पार्टी ने इनका दिमाग खा खा के इनको परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से इनका मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है, इनकी बॉडी की एनर्जीज ख़त्म हो चुकी हैं। रो रहे जैसे आप रो रहे हो, वैसे खुद भी रो रहे हैं, और जैसे कि इनको अच्छे से पता है कि अगर इनको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इनको इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आपसे बात करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन का कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली ये आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये शादीशुदा पर्सन है या आपको अपने घर वाले मतलब इनकी वाइफ या हस्बैंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद इनको यही समझ में आता है कि जितनी केयर आपको इनकी थी ना, उतनी केयर इनकी कोई नहीं करता है। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे, बात करना चाहते हैं लेकिन जो कि इन्होंने पेशेंस बना के रखा है, थोड़ा वेट कर रहे हो, जो कि किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं कि आखिर ये किसी से पूछे कि क्या कुछ हो सकता है। और अगर ये आपके पास आते हैं, जो ये थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में है, जो कि चांसेस स्ट्रांग रोमांटिक हो सकती है, तो इस थर्ड पार्टी का क्या करूँ, कैसे करूँ, गाइडेंस लेना चाहते हैं किसी से। हो सकता है कि किसी लॉयर के पास जा रहे, लॉयर के चक्कर लगा रहे, जैसे कि डिस्टेंस देने के लिए, थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेने के लिए चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है। या तो इनका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो लॉयर है, जिससे कि मतलब होता है ना, बैठे बैठे डिसाइड करना और गाइडेंस लेना, फ्री के गाइडेंस, ऐसे डिस्कशन चल रहा है, जो कि सोच सोच के परेशान हो रही है, या तो डिस्कशन में कुछ नेगेटिव बातें बोली जा रही होगी सामने से, जो सोच सोच के भी इनका जैसे कि मेंटालिटी डिस्टर्ब है करंट में, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेके दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हो ना इनको, सेम आप दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी हैप्पी एनर्जीज महसूस नहीं कर पाओगे। जो आपकी सोच है ना, सेम सोच आपके पार्टनर की भी है करंट में। आप ऐसे कभी भी मत सोचो कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा खुश है। आपने खुद देखा, पहला कार्ड एग्जॉशन का था, जो कि किसी बीमार पर्सन को शो करता है, जो कि अकेले कमरे में अकेले बैठ बैठ के भगवान से जैसे कि अपने साथ गलत करने के लिए पूछ रहा है सवाल कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है, जो कि इनको गलती पता है कि इनसे सबसे बड़ी गलती तो यही हुई है कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला। तो ये जस्टिस मांग रहे भगवान से, क्योंकि जो भी मैंने किया था, मैंने मेरे घर वालों की बात सुनी थी, मैंने मेरे दिल से कुछ नहीं किया था, भगवान प्लीज़ मेरे साथ जस्टिस कर दे। इनकी इस तरह के एनर्जीज है करंट में, ठीक है। या आपसे इस वक्त बात क्या करना चाहते हैं, देखो ये आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको धोखा दिया, लेकिन प्लीज़ आप एक और बार इनके ऊपर ट्रस्ट करके देखें
क्योंकि अब की बार आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसने मुझे एक बार धोखा दिया तो ये बार बार मुझे धोखा देगा, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस बार धोखा नहीं देने वाले हैं। ये इस बार जो आपके पास आएंगे तो ये कंप्लीट आपका बनने के लिए ही आएंगे, इस तरह की एनर्जीज। ठीक है, तो यस, अगर रीडिंग रेजोनेट ये वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पे दिएगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।